नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। यस, जैनिस पटेल, अभिषेक, दीपक कुमार, आप सभी को हैप्पी एंड हेल्दी गुड इवनिंग दोस्तों। और जैसा रिवीजन सेशन चल रहा है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों लाए जा रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा, आप लोग का बहुत बेहतर प्रैक्टिस हो रहा होगा साथियों, जो आने वाले समय में आप में बहुत खुशी की बात है। एकेडमी से बहुत सारे बच्चे हुए हैं, 100+ का आंकड़ा पार कर चुका है। और आप में से जो बाहर से हैं एकेडमी से, वो लोग भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आरआरबी कलर का जो रिसेंटली रिजल्ट आया कल, उसमें बेहतर प्रदर्शन है। और साथियों मैं बता दूं, अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं, सूरत में रहते हैं, तो आपके लिए स्पेशल क्लास का भी ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो प्लीज एकेडमी, बैंकिंग एकेडमी सर्च कीजिए, दिए हुए नंबर पे आप अपने रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करा सकते हैं साथियों। खैर, आज का हम सेशन शुरू करते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मैं शुरू करूंगा। और मैं बता दूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं रख रहा हूं आपके सामने, एनपीसीआई का एक नया टूल है साथियों, उसको लेके मैं प्रश्न रख रहा हूं आपसे। पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑफ एनपीसीआई, इनमें से कौन सी संस्था साथियों जो एनपीसीआई का हैज रिसेंटली एनओसीएस, यही दोस्तों एक नया टूल है। मैं फिर से बता दूं, NOCS का फुल फॉर्म भी याद रखिए, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। NOCS का फुल फॉर्म क्या है साथियों? नेटवर्क ऑपरेशन, सुनना, नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम, जो कि एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड, क्या साथियों सुनना, बहुत बेहतरीन एक इकोनॉमिक टर्म है जिसका नाम है रिकॉन्सिलेशन। अभी समझेंगे रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्सिलेशन फैसिलिटी को और साथ ही साथ सेटलमेंट सर्विस फॉर ट्रांजैक्शन अंडर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाएगा। सुनना, यहां पे बात समझने की है। एक तो एनपीसीआई ने एनओसीएस नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है साथियों, बताना, जो कि कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिकॉन्सिलेशन। अब समझना रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, मैं बात करता हूं बहुत आसान से। आप सभी जानते हैं कि हर एक कंपनी बच्चे क्या करती है, अकाउंटिंग करती है। और अब जब अकाउंटिंग करती है, सुनना मेरी बातों को, जब भी वो अकाउंटिंग करते हैं, सुनना मेरी बातों को, जब भी वो लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग करते समय कई बार मिस्टेक हो जाता है, एरर आ जाता है, डेटा में कुछ मिसमैच हो जाता है। या मान लीजिए बैंक भी तो एक प्रकार का बिजनेस ही कर रहा है भाई, बैंक भी एक प्रकार का बिजनेस कर रहा है। तो जब एक कस्टमरों से डिपॉजिट ले या विड्रॉल करने की फैसिलिटी दे, या फिर लोन जब देता है तो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इसमें कुछ एरर आ जाए तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस ऑटोमेटिक, सुनना, ऑटोमेटिक इस एरर को फाइंड करके करेक्ट करेगा। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, एनओसीएस, यानी कि नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम। पूछा गया है एनओसीएस एनपीसीआई के किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है, तो सुन लेना मेरे साथियों, एनपीसीआई खुद अपने आप में क्या है, एक बॉडी है जो कब से काम कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, 2008 से काम कर रहा है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। जैसा अभिषेक मांडे ने लिखा है, इनका चेयरमैन कौन है, दिलीप आसपे है। और मैं बता दूं, इसी का दो सब्सिडरी है, एक है एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि 2020 से काम कर रहा है। और मैं बता दूं, वही बिल पेमेंट के लिए NBBL कब से काम कर रहा है, 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से काम कर रहा है। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है, 100% इसका ऑनर कौन है, एनपीसीआई है साथियों। और याद रखना, नूपुर चतुर्वेदी इसकी क्या है, चेयरमैन है। और इसी एनपीसीआई भारत बिल लिमिटेड, क्या एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने क्या लेके आया है, सिस्टम लेके आया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सुनना,
नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली, उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो हाल ही में सीईओ बना है। सीईओ बना है कहां पे? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या कहिए आप एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। प्रदीप गोयल है, संजय जैन है, गिरीश सिंह है, हरिहर मिश्रा है, या नीता मुखर्जी है, मेरे प्यारे साथियों। तो सुनना, एआरसी कंपनी आपने सुना होगा जिसका फुल फॉर्म क्या है, एसेट को रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन ऐसी संपत्तियां जब बैंकों का या लोन दे दिया वो फंस गई हैं, यानी कि एनपीए हो गई हैं, तो एनपीए की समस्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिड्यूज करने का काम कौन करता है? एआरसी कंपनियां करती हैं। कब से काम कर रही है? 2002 से। याद रखना मेरे साथियों, ये सरफेसी एक्ट के तहत इनको लाया गया है। और मैं बता दूं, इसमें एफडीआई लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% साथियों है। और इन्हीं कंपनी को खोलने के लिए हाल ही में आरबीआई ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। पहले 100 करोड़ रुपए चाहिए था। अगर किसी व्यक्ति को एआरसी कंपनी खोलना है, एआरसी, तो पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, जिसको बढ़ा के आरबीआई कितना कर दिया है, 300 करोड़ का कर दिया है। और इसी को डेवलप करने के लिए आरबीआई ने किनके नेतृत्व में कमिटी बनाई थी? हरिहर मिश्रा के। और आप बताना, एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन भी कौन है? हरिहर मिश्रा है साथियों। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को मालूम होगा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल साथियों, क्या 1 अप्रैल 2023 से भारत सरकार ने एफटीपी लॉन्च किया, यानी कि सुनना, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आई है सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टारगेट याद रखना, आने वाले 2030 तक भारत ने एक्सपोर्ट बढ़ावा देने का टारगेट रखा है। कितना एक्सपोर्ट बढ़ावा देंगे? तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाने का टारगेट रखा है। कौन सी पॉलिसी के तहत? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो उसी के पूछा कि भाई कितने कंपोनेंट हैं, कितने माध्यम से काम करेगा सरकार, कितने माध्यम से काम करेगा। तो सुन लेना, मैं देख पा रहा हूं जयदीप यहां पे 4 जवाब दे रहे हैं, अभिषेक भी 4 हैं, और विधि भी 4 दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन। याद रखना साथियों, सरकार ने बोला है टैक्स में क्या देंगे? छूट। टैक्स रेमिशन का मतलब छूट देंगे, इंसेंटिव की तरफ बढ़ावा देंगे। अलग अलग एमेजॉन कंपनियां या ई कॉमर्स कंपनियां या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। अलग अलग पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे और फोकस ऑन एमर्जिंग एरिया को बढ़ावा दिया जाएगा। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस टेक्नोलॉजी पे भारत काम करेगा, यानी कि 1, 2, 3, and 4 याद रखना। मेन ऑब्जेक्टिव कब से लागू हुआ है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डेट याद रखो, फुल फॉर्म याद रखो, टारगेट 2030 तक कितना करना वो याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सुनना, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है साथियों। जरा एनबीएफसी का फुल फॉर्म छापना साथियों, जरा एनबीएफसी का फुल फॉर्म छापना कमेंट में। फॉर अ एनबीएफसी टू बिकम, सुन लेना, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बनने के लिए व्हाट मस्ट बी एसेट साइज। उस अगर कोई एनबीएफसी आरबीआई के, सुन लेना, आरबीआई लिस्ट जारी करता है, कौन सा? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, यानी कि वो हमारे देश के लिए, सिस्टमैटिकली का मतलब वो संस्था हमारे देश के लिए अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, या टू बिग, सुन लेना, टू फेल एनबीएफसी के नाम से भी जानते हैं। तो कम से कम कितना एसेट साइज होगा तो उस कंपनी को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी का दर्जा मिल जाएगा। तो याद रखना साथियों, मिनिमम एसेट साइज कितना होना चाहिए?
500 करोड़ का होना चाहिए, 500 करोड़ का होना चाहिए। और यस गुरुविंदर की मैं बात कर रहा हूं, विधि की मैं बात कर रहा हूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल दोस्तों कॉरपोरेशन की जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप चेक करना, कंपनी लिख दोगे तो मजा आ जाएगा, स्वाद में आनंद आ जाएगा, दिमाग में करंट अफेयर का बच्चे बिल्कुल जनून पैदा हो जाएगा, एक बार चेक करना कंपनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे देश के निवासियों, बैंकिंग में जनून है तो बताइए, आरबीआई नोटिफाई सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो कितना चल रहा है अभी मौजूदा समय में, 4.5%। लेकिन ये नहीं पूछा है साथियों, पूछा है सीआरआर अंडर द सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन के तहत आरबीआई सीआरआर का प्रावधान करता है मेरे साथियों। यस साथियों, एक बात जब सीआरआर की बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे एसएलआर भी होता है, एक नया टर्म टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्वांटिटेटिव का। और याद रखना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसके जो जिसका परसेंटेज कितना चल रहा है, 18% मेरे दोस्तों चल रहा है बताना। और ये बताना एसएलआर को मेंटेन करवाने का पावर आरबीआई को कहां से है, तो आरबीआई सुन लेना मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई एक्ट कौन सा, 1934 का सेक्शन 24 सुन लेना, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 24 के तहत एसएलआर का प्रावधान है। और जस्ट उसका उल्टा कीजिए यानी कि 42 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 42 सेक्शन के द्वारा प्रावधान है कि आरबीआई बैंकों से क्या बोलेगा कि भाई अलग से हर दिन डेली बेसिस पे क्या कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्रेडिट गारंटी फंड सुन लेना साथियों, इसका फुल फॉर्म भी याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है, सुन लेना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर क्या, एक प्रकार की भाई क्रेडिट पे यानी कि लोन पे, सुनना लोन पे, क्रेडिट का मतलब लोन पे गारंटी देने की बात कर रही है भारत सरकार, ऐसा फंड बनाया है किनके लिए, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए साथियों। तो यही पूछा है कि इस फंड के तहत, सुन लेना भाई, इस फंड के तहत कोई एमएसएमई है, मान के चलते हैं भाई कोई एक एमएसएमई व्यक्ति है, व्यापारी है, और उसने लोन लेके हाथ खड़े कर दिए, हमसे ना हो पाएगा, मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो बैंक दोबारा किसी को लोन देने से क्या होंगे, बचेंगे, लोन देंगे ही लेकिन वो बचेंगे। तो इस केस में बैंकों को गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम टेंशन मत लो, मैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एक अलग से फंड का निर्माण कर रहा हूं जिसके तहत मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। तो अब तक 2 करोड़ रुपए का गारंटी लेते थे, यही रकम पूछा है दोस्तों कि 2 करोड़ से बढ़ा के कितना करोड़ पर बोरोवर कितना कर दिया है, यही आपसे पूछा है मेरे साथियों। तो यस मैं गुरविंदर बिल्कुल सही बात है, याद रखना साथियों कितना, 5 करोड़ रुपए कर दिया है, यानी कि अब कोई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैंकों से 5 करोड़ तक का लोन लेता है तो सरकार क्या लेगी, उसकी गारंटी लेगी। और इसमें कितना पैसा डाला है इस बार के बजट में, तो याद रखना बजट 2023 में दोस्तों 9000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथियों आपको मालूम होगा हमारे देश में मौजूदा समय में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, और एक पेमेंट बैंक है जिसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक, जिसने अप्लाई किया है अभी फिलहाल, अभी उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला नहीं है लेकिन अप्लाई किया है, देखते हैं क्या होगा, अगर वो आ जाता तो 13वें नंबर का हो जाएगा। वर रिसेंटली रिसीव्ड, उसको अलग से लाइसेंस मिला है साथियों, किसका, ऑथराइज्ड डीलर। अब प्रश्न है कि सर ये ऑथराइज्ड डीलर क्या होते हैं, तो सुनना मेरे भाई, ऑथराइज्ड डीलर मतलब एक कैटेगरीज होती है, और ये ऑथराइज्ड डीलर क्या करते हैं, ये फॉरेन करेंसी में क्या, फॉरेन करेंसी को बाय एंड सेल, क्या
बाय एंड सेल करने का काम करते हैं, यानी कि आप कहिए दोस्तों रुपए को डॉलर में चेंज करवाना है या डॉलर को रुपए में, तो ये काम कौन करते हैं? ऑथराइज्ड डीलर करते हैं। और रिसेंटली किन बैंकों को आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर का लाइसेंस दिया है दोस्तों? तो याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ऑथराइज डीलर का लाइसेंस अभी दो बैंकों को दिया है, एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक इक्विटास है और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे साथियों। तो बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सुन लेना, विच रेगुलेटरी बॉडी, इनमें से कौन सी अभी संस्था ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च अ पायलट स्कीम, यानी कि शुरुआती दौर में टेस्टिंग के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन 50 के 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे फॉर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के साथियों। हाल ही में विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च अ पायलट स्कीम जिसका नाम क्या है? मिशन 50 के इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर एनवायरमेंट। तो सुन लेना मेरे साथियों, आप सभी को मालूम होगा 2 अप्रैल, क्या 2 अप्रैल 1990 से कौन सी संस्था काम कर रही है? आपसे पूछा जाए उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है तो 450 करोड़, माफी चाहता हूं यहां पे, उसका ऑथराइज कैपिटल 1,000 करोड़ है दोस्तों, 1,000 करोड़ है, और उसका पेड अप कैपिटल 450 करोड़ है, 1,000 करोड़ उसका ऑथराइज कैपिटल है, और पेड अप कैपिटल की मैं बात करूं तो 450 करोड़। हाईएस्ट शेयर होल्डर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और एस रमन, क्या साथियों, एस रमन इसके क्या है? चेयरमैन है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी साथियों लेके आया है कौन सा मिशन? मिशन 50 के इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत धुआंधार है, बहुत गजब का क्वेश्चन, इसको आप कह सकते हैं कि विच बैंक, हाल ही में साथियों कौन से बैंक ने मास्टर, सुन लेना, मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट किया है, यानी कि साथियों लोन लेने की बात चल रही है, देने की बात चल रही है, कितना यूएस डॉलर 300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। साथियों ये हिंट है, आप यहां से भी पहुंच बता सकते हैं, भारत के एकमात्र संस्था साथियों वैसे लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करती है एक्जिम बैंक, लेकिन ऑप्शन नहीं है यहां पे एक्जिम बैंक का। तो आपसे पूछा है कि 300 मिलियन डॉलर का मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया किसके साथ? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ किसने किया है साथियों? तो याद रखना, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन है? HDFC बैंक ने 300 मिलियन डॉलर का इंटरबैंक क्रेडिट एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ साथियों किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड, यानी कि अवार्ड मिला है कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस लिए दिया गया है साथियों? खेल के फील्ड में बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट, क्या स्पोर्ट के फील्ड में को बढ़ावा देने के लिए साथियों? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। आप पेपर उठा के देखिए मेरे प्यारे साथियों, पिछली बार के पेपर में पूछा था असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया, राज्यों को लेकर पूछा जाता है साथियों। मैं बता दूं वो इंडियन टेनिस फेडरेशन क्या है, सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के, क्या ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के साथियों सेक्रेटरी भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना सेक्रेटरी भी है, उनका नाम है आपके सामने, आपको बताना ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के, जिनका नाम है अनिल धूपर पढ़िए, जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन साथियों,
लेकिन अभिषेक मांडे इस बार वो नहीं है, वो तो 2020 वाले बता रहे हो, 21 वाले माफ करना, आपसे पूछा गया है साथियों सुन लेना, आपसे पूछा गया यस 2000 माफ करना 2022 वाला बता रहे हो, 2023 में बदल गए हैं, बताओ कौन है? यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच करोड़ रुपए फॉर लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी कि साथियों ब्रॉडबैंड का मतलब क्या सुन लेना, इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चला रखा है जिसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। सुन लो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए भारत नेट प्रोजेक्ट कब से चल रहा है, तो 2015 से। मेन उद्देश्य क्या है, 270,000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। सुन लो ऐसा क्यों, क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन भी कब लॉन्च किया गया था 2015 में, जब हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट होगा तभी तो सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी मेरे भाई, तभी तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी, तभी तो सभी को ई बैंकिंग मिल पाएगा साथियों, तभी तो सभी को ई एजुकेशन मिल पाएगा साथियों, इंटरनेट रहेगा तभी तो आपको मैं बताऊं ई हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी। तो ई भारत नेट प्रोजेक्ट क्या करता है, गांवों में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और मैं बता दूं भारत सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट में 1.39 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। कितने पैसे डाले हैं मेरे प्यारे साथियों याद रखना। तो भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, गांवों में जाके इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, जिसके माध्यम से लोगों को घर तक बैठे गवर्नमेंट की सर्विस पहुंचाया जा सके, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, अस्पतालों में अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंटरनेट का यूज किया जा सके, लोगों को चल के बैंक में ना जाना पड़े, यानी कि किसी पोर्टल के माध्यम से बैंकिंग प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए भारत सरकार ने 1.39 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं मेरे सारे प्यारे साथियों, सुन लेना मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं यहां पे कहूंगा कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कैपिटल मार्केट को या स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है साथियों, सेबी करता है। अब सेबी ने मैंडेट किया है, परमिशन दे दिया किनको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब बाहर के ऐसे इन्वेस्टर जो हमारे देश में आके किसी कंपनी के, सुन लेना, किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। कई बार इसको एफपीआई को एफआईआई के नाम से जाना जाता है, फॉरेन, सुन लेना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और साथियों इनको परमिशन दे दिया है आरबीआई ने कि कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रिक्वेस्ट फॉर कोटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि किसी कंपनी के शेयर में 1 अक्टूबर 2023 से कितना परसेंट निवेश कर सकते हैं स्टॉक, सुन लो, स्टॉक फॉर क्या, माफ करना, रिक्वेस्ट फॉर कोटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना 10% तक का निवेश कर सकते हैं। अब प्रश्न है ये आरएफक्यू क्या है, तो बताना साथियों ये ट्रेडिंग पोर्टल है जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, किसके द्वारा, बीएसई के द्वारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे, जिनका नाम है मिनिस्टर का सर्वानंद सोनवाला, साथियों कौन, सर्वानंद सोनवाला, लॉन्च अ कैंपिंग टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि बदलने की बात हो रही है, क्या बदलने की बात हो रही है, 75 सुन लेना 75 ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जिनके को टूरिज्म स्पॉट के नाम पे जाना जाएगा, जिनको टूरिज्म स्पॉट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे वहां पे घूमने के लिए। अब इसी स्कीम की शुरुआत कहां से हुई है साथियों, हाल ही में बात की गई है
कि सर्बानंद सोनवाला जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे के मंत्रालय हैं, उन्होंने भारत के 75 हिस्टोरिक लाइट हाउस अक्रॉस द इंडिया इनटू ट्रांस टूरिज्म स्पोर्ट के फील्ड में बदलने की बात कर रहे हैं। कहां से किया है याद रखना साथियों, द्वारका गुजरात से किया है, वेरावल भी है याद रखना, गुजरात के 3 जगहों को चुना गया है, एक तो द्वारका है, एक गोपनाथ है, एक गोपनाथ है और एक वेरावल है साथियों। ये क्या है, वेरावल गोपनाथ, लेकिन शुरुआत कहां से हुई है, द्वारका से हुई है। टोटल कितने प्लेसेस को बदला जाएगा टूरिज्म में, 75 को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है साथियों, बहुत आसानी से पढ़िए इसको, बहुत धीरज से पढ़िए और जवाब देने की मेरे प्यारे साथियों कोशिश करना। सुनना यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों किसकी बात हो रही है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले कभी भी तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और आप देखिए यहां पे करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट, करेक्ट बताना है मेरे साथियों। कौन सी संस्था के संदर्भ में बताना है, HDFC बैंक लिमिटेड के संदर्भ में बताना है, जो 1 जुलाई 2023 को भारत का सबसे बड़ा मर्जर हुआ मेरे साथियों, उसमें बात की जा रही है। सुन लेना, HDFC इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड होल्डिंग एंड HDFC होल्डिंग हैज बीन अमलगमेट, यानी कि मर्ज हो गया किसके साथ, HDFC बैंक के साथ 1 जुलाई 2023। बोलिए सही बात है कि नहीं, बिल्कुल भाई करेक्ट पूछा, ये सही जवाब होगा हमारे लिए। HDFC लिमिटेड मर्ज विथ HDFC बैंक विथ बैंक इज सेट बिकम द वर्ल्ड फोर्थ, मर्जर के बाद HDFC दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और मैं बता दूं, इंडिया का सबसे टॉप और दुनिया का चौथा बैंक बन गया है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और मैं बता दूं साथियों, HDFC बैंक के दीपक पारखे क्या है, अभी भी मौजूदा में चेयरमैन है, लेकिन जब ये मर्जर हो रहा था तब से इन्होंने अनाउंसमेंट करके रखा है एडवांस में कि आने वाले भविष्य में क्या दे दूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा, रिजाइन दे दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी दिया नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट कर दिया है। यानी कि भाई साहब ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। 1 जुलाई 2023 से मर्जर इफेक्ट में आया है, ये दुनिया का चौथा बैंक बना है बिल्कुल, और दीपक पारखे अभी प्रेजेंट में क्या है, चेयरमैन है, और इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि मैं आने वाले भविष्य में रिटायरमेंट ले लूंगा, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच बैंक कौन सा इसमें से वो बैंक है मेरे प्यारे साथियों, जो रुपए कार्ड का, जो हमारे देश का स्वदेशी कार्ड है, उसका एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, जिसका नाम है रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड। रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड इनमें से कौन सा बैंक मेरे प्यारे साथियों लेके आया है, आपसे पूछा जा रहा है, दबादब कमेंट में जवाब दे दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों सुन लेना यार, सुन लेना, पूछेगा रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड कौन लेके आया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक लेके आया है मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ओवरसीज बैंक लेके आया है। सुन लेना, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड अमंग 2023 एनुअल लिस्ट ऑफ, बहुत गजब का क्वेश्चन है साथियों, ग्रेट इमिग्रेशन, ये तो कई बार हमने क्लास में भी पढ़ा है, ग्रेट इमिग्रेशन, महान प्रवासी के लिस्ट में भारत के कौन से व्यक्ति का या इंडियन ओरिजिन कौन से व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा, आपसे पूछा जाए ग्रेट इमिग्रेशन का लिस्ट कौन निकालता है मेरे प्यारे साथियों। हिंट दे सकता हूं, 1944 से काम कर रहा है, 189 मेंबर है, नोरू उसका लास्ट मेंबर है साथियों। यस, यहां पे मैं बहुत बहुत खुशी हो रहा मेरे साथियों, जयदीप ने बिल्कुल बेहतरीन जवाब नहीं दिया है, गुरविंदर मेरे भाई ने बेहतरीन जवाब दिया है, विधि ने, दिशा ने, अभिषेक ने बहुत बेहतरीन। तो साथियों आपको मालूम होगा यार, जब मैंने 1944 पढ़ा तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक कौन सा लिस्ट निकालता है ग्रेट इमिग्रेशन। और यहां पर देखना पूछा गया है, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग भी है यार, या नहीं भी है तो भी आप पहचान सकते हैं।
सकते थे। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की बात करें, इंडियन ओरिजिन व्यक्ति जो 14th नंबर के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बने हैं, अजय बंगा, फॉर्मर मास्टर कार्ड के चेयरमैन। इनके सिवा WTO के प्रेसिडेंट का नाम भी जानते होंगे, नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजा इवालिया। किसकी? WTO के डायरेक्टर नागोजी ओकोंजा इवालिया का भी नाम है। यही मैं बता दूं, हंगरी के शतरंज खेलने वाले ग्रैंड मास्टर सुसान पोलगर का भी नाम है। और वहीं मैं बता दूं साथियों, यूनिसेफ के एम्बेसडर और बेनिन के निवासी और गायक जिनका नाम है एग्लिक की डोज, इनका भी नाम है। और इराकी मूल के फोटोग्राफर, क्या इराक के एक फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है रोआल्ड हॉफमैन का भी नाम कहां पे है? ग्रेट इमिग्रेशन के लिस्ट में है मेरे प्यारे साथियों। तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, बहुत गजब का अवार्ड है मेरे दोस्तों। नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड विथ पेन प्रिंटर प्राइज। बोलो कौन सा देश देता है, विच कंट्री गिव पेन प्रिंटर प्राइज? तो याद रखना, यूके देता है साथियों। किस भाषा में देता है? लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। और इस बार जो पेन प्रिंटर जो प्राइज मिला है वो मिशेल रोसेन को मिला। यस दिशा, बहुत बेहतरीन अभिषेक मांडे, बहुत बेहतरीन। पेन प्रिंटर अवार्ड यूके देता है, लिटरेचर के फील्ड में मिलता है। इस बार यानी कि 2023 का किसको मिला है? तो ब्रिटेन के ही एक ब्रिटिश लेखक हैं जिनका नाम है मिशेल रोसेन को दिया गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड, इनमें से किन व्यक्ति को हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे चुना गया है? यानी कि हमारे देश की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे साथियों, साइबर सिक्योरिटी से होने वाले अपराधों को कम करने की बात करेंगे। किसके द्वारा? तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। किनको बच्चे चेयरमैन कहिए चुना गया है? किनको चुना गया है? केबी कुमार को, एम बुराके को, राजेश को, एम यू नायर को, या गुलशन कुमार? नहीं है बच्चे, राय है। तो बताना, लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर साहब को मेरे प्यारे साथियों नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे हमारे देश में अपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये तो बहुत आसान और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, सुन लेना। नेम द ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है, मतलब एक तो बात मालूम चल गया भाई, इनमें से जो भी चीज है वो एक प्रकार का ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है, जस्ट लाइक एमेजॉन, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, जो मन करे वो जो सामान बेचते हैं अपने पोर्टल के माध्यम से, वैसा ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय कौन से योजना के तहत? दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 2011 से चल रहा है, और इसका रीनेम किया गया था स्कीम का 2014 में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि गांवों में लाइवलीहुड को बेहतर बनाया जाए, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, लोग कमाएं और खाएं और मौज से रहें, उसके लिए सेल्फ हेल्प वुमेन। और इस ई कॉमर्स पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी? तो याद रख लेना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए होंगे, जो ऐसे प्रोडक्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं, और वो भी महिला उसमें होनी चाहिए, उन प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। तो ई सार्स पोर्टल मैं देख पा रहा हूं, गुरविंदर हैं, सरस्वती हैं, शायद मैं नाम ना पढ़ पा रहा हूं,
ठीक से दिशा हो गए, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इस साल, कौन से स्कीम के तहत? तो दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया, कल भी मैंने हिंट दिया था साथियों, याद होगा। अब हमारे देश में टोटल 16 सुन लेना, टोटल इंडिया में 16 स्किन बैंक हो गए। स्किन बैंक का मतलब साथियों, कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने शरीर को या शरीर के अंग को दान कर सकता है, जो ऐसे व्यक्तियों के काम आए जिनका, जिनको एक्चुअल में किसी ऑर्गन का रिक्वायरमेंट हो, एक्चुअल में किसी ऑर्गन का रिक्वायरमेंट हो साथियों। तो आपसे पूछा है नॉर्थ इंडिया में भारत का पहला स्किन बैंक कहां पे, तो याद रखना सफदरगंज हॉस्पिटल कहां पे है साथियों, तो दिल्ली में है मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दिल्ली के कौन से हॉस्पिटल में? सफदरगंज हॉस्पिटल में। और मैं बता दूं साथियों, ये बात हम लोग कर रहे थे, अभी टोटल कितने हो गए हैं, 16 स्किन बैंक हो गए हैं। सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, तो बताना 7 कहां पे हैं, महाराष्ट्र में है साथियों, 4 कहां पे है, चेन्नई में है, 3 कहां पे हैं, कर्नाटका में है, और एक एक मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। काउंट करेंगे तो टोटल 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरमैन, इनमें से कौन सा व्यक्ति क्या बना है? देखो चेयरमैन बना है। अब की पॉइंट को पकड़ना, किसका? रिसर्च एडवाइजरी कमिटी का। कुछ रिसर्च होगी भाई, उसकी एडवाइजरी कमिटी हेड बने हैं। रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ इंडियन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ICAR, आपको मालूम होगा साथियों, ये ICAR एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में, सुन लेना, एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च एंड कोर्सेज को डेवलप करता है। यस गुरुविंदर मेरे भाई, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जहां पे डीएनए डेटा सेंटर खोला गया है, और आपको याद होगा 150 लोगों का डीएनए प्रोफाइल वहां पे रखा गया है। बिल्कुल, अभी यहां पे आप बताइए कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो ICAR के द्वारा एक कमिटी बनाई गई है, रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, और ये कमिटी किस पे सजेशन देगी? अब काम की बात होने जा रहा, सुन लेना। जो ये रिसर्च एडवाइजरी कमिटी है मेरे साथियों, तो हम जानते हो ना, आपके घरों में खाना जो बनता है कौन से तेल में बनता है? पाल्म ऑयल। कौन से तेल में बनता है? तो याद रखना पाल्म ऑयल। तो हम अपनी खपत का, सुन लेना, इंडिया अपनी यूजेज का, अपने कंजप्शन का तकरीबन 80% हम बाहर के देशों से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम सेल्फ रिलायंस बनना चाह रहे हैं, और उसके लिए भारत सरकार ने, सुन लेना मेरे साथियों, पाल्म ऑयल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल, सुन लेना, नेशनल मिशन ऑन पाल्म ऑयल नाम का एक प्रोग्राम भी चलाया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए, कितने, 11,000 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है, जिसकी मदद से 11 लाख मैट्रिक टन, बचे लाख है, 11 लाख मैट्रिक टन पाल्म ऑयल प्रोड्यूस किए जाएंगे। कब तक? 2025 से लेके 26 तक। अब इसी पाल्म ऑयल को प्रोड्यूस कैसे किया जाए वो सजेशन देगा साथियों, याद रख लेना, बी एन प्रभाकर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ ले साथियों आपसे कि पाल्म ऑयल को प्रमोट कैसे किया जाए, उसको लेके ICAR ने रिसर्च एडवाइजरी कमिटी बनाई है। किसके नेतृत्व में? तो बी निर्जा प्रभाकर के नेतृत्व में बनाई है साथियों, सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, कि इनमें से कौन सा पहला बैंक बना है? आप पहला बैंक कहिए या पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कहो, दोस्तों कोई भी उसमें बुराई नहीं है, कि या जहां से जाके कोई भी महिला क्या, कौन सा
कौन से स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकती है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकती है। आपको मैं बता दूं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट साथियों बजट 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कोई भी महिला मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सुन लेना, यही पूछेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना, तो 1000 रुपए बताना, या फिर मल्टीपल ऑफ 100 में कर सकती है, लेकिन मिनिमम निवेश 1000 रुपए का और मैक्सिमम 2 लाख का। सरकार उसको 7.5% का रिटर्न देती है, 2 साल के लिए ये योजना का टेन्योर है। और मैं बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया याद रखना, यश मुस्कान गुरविंदर दिशा अभिषेक बहुत बेहतरीन, बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक बना है जहां पे कोई भी महिला जाके क्या कर सकती है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर सकती है। दोस्तों यहां पे बस एक बात याद रखना यार, आपसे ये वाला डेटा पूछा जा सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सुन लेना, पूछा है कि नेम द पेमेंट बैंक, उस पेमेंट बैंक का नाम बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों उस पेमेंट बैंक का नाम बताओ। आपसे पूछा जाए पेमेंट बैंक का नाम बताओ जिसने हाल ही में कोलैबोरेशन किया है, एमओयू किया है, किसके साथ? एक कंपनी है जिसका नाम है पार्क प्लस। और ये पार्क प्लस क्या करेगा, यूपी के वाराणसी में स्थित, सुन लो, यूपी के वाराणसी में स्थित एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पे है, गुजरात ठोक के मत आ जाना नेता बन के, कहां पे है बता देना, यूपी में। और उसी एयरपोर्ट पे कोई कार पार्क करने जाता है तो अब उसको कैश में पेमेंट नहीं होगा, कैशलेस पेमेंट कर सकता है मेरे प्यारे साथियों, कैशलेस पेमेंट, जिसके लिए उसने फास्ट टैग लॉन्च किया है। क्या साथियों, माफ करना, क्या लॉन्च किया, फास्ट टैग लॉन्च किया है, जो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, RFID, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, RFID टेक्नोलॉजी। जहां भी कैशलेस पेमेंट की बात होगी, और याद रख लेना, वहां पे RFID टेक्नोलॉजी होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फुल फॉर्म है, और एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्क नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्रियों के लिए बिल्कुल कैशलेस पेमेंट पार्किंग की व्यवस्था करने वाला अभी हाल ही में रिसेंट पेमेंट बैंक बना है। यस अभिषेक, मैं देख पा रहा हूं नचिकेत मोर कमिटी बनी थी, यस बिल्कुल नचिकेत मोर कमिटी बनी थी पेमेंट बैंक को लाने के लिए। Who has been recently, क्या हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, क्या चेयरमैन, किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BCCI के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सीनियर मैन सिलेक्शन कमिटी, यानी कि जो भी प्लेयर होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए कमिटी बनाई गई है BCCI के द्वारा। उस कमिटी के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, चेतन है, अशोक है, नायक है, अजीत अगरकर है, या जतिन है मेरे प्यारे साथियों, इनमें से किसका जवाब सही होगा आप बताइए कमेंट में, मैं आपका नाम पढ़ता हूं। कि चौथा गुरविंदर बता रहे, चौथा अजीत अगरकर, यस। और भी मेरे प्यारे साथियों सुन लेना, बिल्कुल गुरविंदर मचा दिए हो लड़के, बताना BCCI के द्वारा जो सीनियर मैन सिलेक्शन कमिटी बनाई गई है उसके चेयरमैन के तौर पे कौन अपॉइंटमेंट हुए हैं, अजीत आगरकर हुए हैं साथियों। यस दिशा बहुत बेहतरीन, अब इसे थोड़ा सा मिस्टेक, माइनर मिस्टेक है, नजदीक पहुंच गए थे लेकिन थोड़ा ऊपर सोचना था, और हमको अपनी सोच ऊपर ही रखना है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस IIT का नाम बताना मेरे प्यारे साथियों, उस IIT का नाम बताना, सुन लेना। अबे यार कितना बेहतरीन, एनवायरमेंट फ्रेंडली बात हो रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिसने हाल ही में डाई मेथाइल इथर फ्यूल पे चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है,
ट्रैक्टर बनाया है, वो भी 100% डाइमेथाइल ईथर पे का यूज करके उस ट्रैक्टर को चलाया जाता है। आपसे पूछा है उस आईआईटी का नाम छाप देना कमेंट में मेरे प्यारे साथियों, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली के तौर पे कदम उठाया है। तो याद रखना यूपी का ही आईआईटी कानपुर है जिसने 100% डाइमेथाइल ईथर फ्यूल का यूज करके ट्रैक्टर बनाए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लगता है इसमें से सभी लोग जवाब दोगे। सीखो और कमाओ अर्न लर्न एंड अर्न स्कीम 700 से ज्यादा स्किल ट्रेनिंग देगा वो अपने युवाओं को। और जो भी राज्य है 700 एरिया में साथियों वो स्किल ट्रेनिंग देने वाला है। आपको नाम बताना मेरे प्यारे साथियों उस राज्य का नाम जिसने मुख्यमंत्री सीखो एंड कमाओ। लेकिन मैं देख पा रहा हूं बहुत कम लोगों का जवाब आ रहा है यार। यस सरस्वती, अभिषेक, गुरविंदर, शारदा, अब बिल्कुल मैं यादव जी भी आए हैं। और मैं दिशा एफ कहां से आ गया है, झूठ मूठ का मध्य प्रदेश बता देना, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में एक संस्था काम करती है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। साथियों नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड 2005 से ये काम कर रहा है, सुन लेना। इसी फंड के माध्यम से कहीं आग लग जाए तो राज्य में स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा, नई नई टाइप की गाड़ियां आई जाएंगी जो आग बुझाने में मदद करेंगी। साथियों पूछा गया है कि कितना पैसा डाला गया है साथियों मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए। सभी राज्यों में मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एनडीआरएफ फंड में कितना पैसा डाल रही है, 5000 करोड़ रुपए डाल रही है दोस्तों। डी, यस अभिषेक, गुरविंदर, बहुत बढ़िया लड़कों, बस अपने को हिंट मिल जाए यार जवाब ठोक के आ जाएंगे, सुन लेना। आपसे पूछा गया है जिममैक्स एक्सरसाइज छापो किन दो देशों के बीच होता है, छापो, दिया भी है छाप दो, कब से हो रहा है बताना। फर्स्ट टाइम 2012 में हुआ था जिममैक्स एक्सरसाइज। साथियों एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, पहली बार कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 2012 में हुआ था। लेकिन ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है बताइए रिसेंट एडिशन कौन सा हुआ। प्रश्न है ये भी पूछा जा सकता है कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ, इंडिया के किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कौन से जगह पे, विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जापान और इंडिया के द्वारा मिलके एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करवाया गया जिसका नाम है जिममैक्स। 2012 में फर्स्ट टाइम हुआ था, अभी रिसेंटली इसका सातवां एडिशन था। यस दिशा बहुत बढ़िया, शारदा बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सभी लोग बहुत मचा रहे हैं साथियों, सातवां एडिशन था। नेम द बैंक डेट हैज रिसेंटली पार्टनर विद फ्लिपकार्ट, सुन लेना साथियों, फ्लिपकार्ट के साथ कौन से बैंक ने कोलोबरेशन किया है और कोलोबरेशन करके पर्सनल लोन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, कितने, कौन से ऐप के माध्यम से, फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से, कितने लाख का पर्सनल लोन। तो अप टू फाइव लाख तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। और बताना कौन से बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। मेरे प्यारे साथियों सुन लेना, आप जानते ही होंगे, आपके दिमाग से शायद ये आंसर स्लिप कर गया होगा, मैं याद दिला देता हूं दोस्तों, एक्सिस बैंक बता देना, कौन सा बैंक, एक्सिस बैंक, इसी का पुराना नाम तो यूटीआई बैंक हम लोग पढ़ते हैं यार। एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन करके पर्सनल लोन अप टू 5 लाख तक का क्या कर रहा है, ऑफर करने जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, नेम द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम बताइए जो भारत सरकार के तहत काम करता है, रिसेंटली वॉन, जिसने एक अवार्ड जीता है, सुन लेना, क्या क्रेता, क्या साथियों, क्रेता विक्रेता, क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह अवार्ड, क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह अवार्ड जीता है, हाईएस्ट सिंगल बिड प्रोक्यूरमेंट। आप बिड प्रोक्यूरमेंट की बात करते हो ना दोस्तों, तो याद रख लेना, हम लोग इसका न्यूज पढ़ चुके हैं, ई प्रोक्यूरमेंट कहां पे होता है, जेम पोर्टल, और आपको बताना है बेस्ट कंट्रीब्यूटर के तौर पे किसको अवार्ड मिला था, टाइमली पेमेंट के फील्ड में, टाइमली पेमेंट के फील्ड में कौन सी कंपनी ने अवार्ड जीता था, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस राज्य को मिला था, तो गुजरात को मिला था, बेस्ट कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल को मिला था, और टाइमली पेमेंट के तौर पे याद रखना एनएलसी लिमिटेड को मिला था। लेकिन यहाँ पे क्रेता और विक्रेता के फील्ड में पूछा जाए तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसको मिला है, क्रेता एंड विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट को मिला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच स्टेट पुलिस महिलाओं के सुरक्षा को लेके, सुन लेना मेरे प्यारे साथियों, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख के किस राज्य ने वुमेन सेफ्टी स्कीम लॉन्च किया है। अब पुलिस रात के 10 बजे से लेके सुबह के 7 बजे के बीच में अगर महिला किसी कारणवश, मान लीजिए जॉब करती है, रात में उसका 10 बजे के बाद वो फ्री घर जा रही है, अनसिक्योरिटी फील करती है, तो पुलिस घर तक छोड़ के आएगी, और उसके लिए वुमेन सेफ्टी स्कीम चलाया है, पेंगल पाथकापू, क्या देखना, पथाकू थित्तम नाम का, उनकी लोकल लैंग्वेज है भाई, कौन सा राज्य बता रहे हैं, दिशा गौरव गुरविंदर अभिषेक, और बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं तमिलनाडु गवर्नमेंट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, आपसे पूछा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवनेंस, सुन लेना, आप लंबा चौड़ा पूरा हाक के दिया गया है, कुल मिला के बच्चे हाल ही में, सुन लेना बहुत आसान, मैं बहुत आसान से बात करता हूं, सुन लेना, एक पोर्टल है बच्चे, एक पोर्टल है NESDA, नेशनल ई गवर्नेंस, नाम से मालूम चलता है ना यार, घर बैठे ही आप शिकायत कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, घर बैठे स्कीमों का लाभ भी ले सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया, पहला एडिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, दूसरा एडिशन 2022 में लॉन्च किया गया, माफ करना 21 में, मेरे प्यारे साथियों माफी चाहता हूं, 2000 बताना कौन से 21 में लॉन्च किया गया था मेरे प्यारे साथियों, और रिसेंटली तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया, तीसरा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, बहुत गजबे का क्वेश्चन है ये भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल साथियों, बैंक के पेपर में इस संस्था के बारे में कई बार पूछा है, रेलवे के पेपर में कई बार पूछा है, SSC के पेपर में कई बार पूछा है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसका भी कानून चलता है, 2010 से ये संस्था काम कर रही है, न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर है, बस आपसे पूछा है कि इसके चेयरमैन कौन बने हैं, हाल ही में इसके चेयरपर्सन कौन बने, सुन लेना, कौन से मंत्रालय के तहत NGT काम करता है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये काम करता है, सुन लो यार, कहीं भी इलीगल माइनिंग हो रही है ना, कहीं भी इलीगल माइनिंग खुदाई झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, जिससे एनवायरमेंट को पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तुरंत पेनल्टी ठोकता है उस पे नेता बनने पे, सुन लेना, और इसी के NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सयोग कुमार सिंह फर्स्ट सीओ कुमार सिंह NGT के नए चेयरमैन बने हैं। नेम द स्टेट गवर्नमेंट डेट हैज रिसेंटली लॉन्च अमा पोखरी, क्या अमा पोखरी, अमा
पोखरी स्कीम टू रेजुनवेट 2000 लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि जो तालाब पहले साथियों जो तालाब पहले भर गए थे उनको दोबारा से निर्मित करवाया जाएगा, पानी को स्टोर किया जाएगा और लगभग 100 सुन लेना कितने 115 अर्बन लोकल बॉडीज में कौन से स्कीम के तहत, तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत कौन सा राज्य अमा पोखरी स्कीम लॉन्च किया है जो 2000 से ज्यादा वाटर बॉडीज को रिबिल्ड करवाएगा, तो ओडिशा है मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, कई बार नाम सुन के हम भावनाओं में बह जाएंगे, जैसे अमा साउथ वाला नाम दिखता है लेकिन बता देना ओडिशा, बिल्कुल सरस्वत हो गए। और भी मेरे प्यारे साथियों जो भी इनकरेक्ट है बिल्कुल मुस्कान मचा दी हो लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा राज्य हैज रिसेंटली साइन एन एमयू 6 इंडस्ट्री 6 राज्यों के साथ, आपको बताना है किस स्टेट ने प्यारे साथियों 6 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया है जो 3000 हेक्टेयर में मैंग्रू ट्री को बढ़ावा देगा, कौन सी योजना के तहत, तो बताना मिस्टी, कौन सी योजना के तहत साथियों, मिस्टी प्रोग्राम के तहत। मिस्टी आपको मालूम है, पूछा जाए मिस्टी का संबंध किससे है, तो क्या संबंध, मैंग्रू प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए, मैंग्रू प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए। और बता देना गुजरात ने कोलैबोरेशन किया साथियों, गुजरात ने कोलैबोरेशन किया है ये मिस्टी प्रोग्राम को, बताना बजट 2023 में ही लॉन्च किया गया था। मेन उद्देश्य क्या है, मैंग्रू बच्चे आप देखोगे ऐसे पेड़, ऐसे प्लांट, ऐसे ट्री जो दलदली या पानी वाले एरिया में रहते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया वेस्ट बंगाल का सुंदरवन इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव ट्री प्लांटेशन एरिया सर। और बताना 6 कंपनियों के साथ किया है। मिस्टी का फुल फॉर्म याद रखना मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम मेरे साथियों। यस मेरे प्यारे साथियों सुन लेना, बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली दीदी कैफे और साथियों ये दीदी कैफे भी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत, मैं बता दूं ये दीदी कैफे के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ग्रुप भी कौन सा महिला वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वुमेन के द्वारा क्या मिलेंगे, मिल्स मिलेंगे या स्नैक, कुल मिला के खाने पीने की सामान दिया जाएगा। ये दीदी कैफे किस राज्य का है, भावनाओं में मत बह जाना ममता दीदी, वेस्ट बंगाल भिरा के आ जाए नेता बन के, तो बताना यूपी। ये दीदी कैफे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के द्वारा क्या मिलेगा, खाने पीने की सामान मिलेगा और यूपी लेके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा, मतलब कुल मिला के कौन सी कंट्री है जिसने बोला वो अपनी कंट्री में योगा करवाएगा, लोगों से योगा करवाएगा, योगासन करवाएगा, टेंशन मुक्त पाएंगे। तो सुन लेना मेरे प्यारे साथियों, 21 जून को इस बार 9th नंबर का इंटरनेशनल योगा डे मनाया, और मैं बताना चाहता हूं ओमन है मेरे प्यारे साथियों, ओमन, बिल्कुल दिशा सही बता रही हो ओमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली राजनाथ सिंह जो कि कौन से मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जिन्होंने क्या लॉन्च किया है नेशनल कैडेट कॉर्प के लिए, एनसीसी के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, और एक अलग से सिंगल विंडो भी लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीसी एनआईएस, यानी कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, पूछा जा रहा है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कौन से बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पे है, यस
SBI बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, अभिषेक हो गए, गौरव हो गए, शारदा हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, कहाँ गया? यस, और याद रखना एक स्कीम लेके आया है, स्कीम लेके आया है, पहला कदम पहली उड़ान, क्या पहली उड़ान, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, कौन लेके? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए पहली उड़ान किसके लिए है? माइनर्स के लिए। इस पोर्टल को बनाया किसने है, सुन लेना, पोर्टल को भास्कराचार्य, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं और एक मिनट का समय हम सबके पास और है। विच कंपनी या एनजीओ रिसेंटली एमओयू किया है ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी के साथ, कौन से मिशन के तहत? नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। साथियों आप सभी को मालूम होगा, सभी को मालूम होगा, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी कौन सा चलता है भारत में? 2012, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को एक किफायती रेट में जीवन जीने के लिए उपयुक्त पानी मिलना चाहिए। और इसी नेशनल वाटर पॉलिसी के तहत 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। 60,000 करोड़ रुपए डाले हैं इस बार के बजट में, 60,000 करोड़ रुपए डाले हैं साथियों। कौन चलाता है? जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय चलाता है। फिलहाल अभी किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है तो बताना, इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के साथ, इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं साथियों, देखो ये नाम से ही मालूम चल गया, खैर अब क्या बात करूं, फिलहाल इसके बारे में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, गजब का क्वेश्चन है, सुन लेना। एक संस्था है साथियों जिसका नाम है GCRC, यानी कि ग्लोबल, सुन लो एक बार, लिख लो, ग्लोबल क्या साथियों, माफ करना, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। बहुत सारे कंट्रियों का ग्रुप है जो ग्लोबल क्राइसिस से लड़ने के लिए, भाई ग्लोबल क्राइसिस कैसा भी हो सकता है ना मेरे भाई, हो सके वो फूड क्राइसिस हो सके वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सके नेचुरल डिजास्टर क्राइसिस हो, तो ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं तब ये ग्रुप मदद करता है। कौन चलाता है इसको? तो यूनाइटेड नेशन चलाता है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, और इसी ग्रुप को इंडिया ने अभी क्या किया है, ज्वाइन किया है, जिसके चेयरमैन कौन है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के एंटोनियो गुटेरस जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है साथियों, आपसे पूछा जाएगा तो बताना, जो प्रेसिडेंट है। और मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूं, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के शेरफा कौन है? संजय वर्मा क्या है? शेरफा है किसके? GCRC के। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा, आपने पढ़ा है, बस आपको देखना है कि आपको कितना आ रहा है। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मिस्टेक कहां पे हो रहा हूं, यहां पे साथियों आपको जगाना है मैन उद्देश्य करंट अफेयर को लेके मेरे दोस्तों जी। याद रखना जो मेहनत करेगा साथियों वही बढ़ेगा, और याद रखना मेहनत के साथ लक भी चाहिए, और वो मेहनत करने से ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मंडे को मिलेंगे साथियों। आज का लेक्चर बस 6:15 से था, अगली बार यानी कि नेक्स्ट बार जब भी मिलेंगे हम 7:30 बजे मिलेंगे। चलो बाय बाय एंड टेक केयर साथियों।